जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट, पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ी, अभी पूरी तरह से हालात हैं सामान्य। बीजेपी ने 4 पार्षदों को किया निष्कासित, पार्षदों ने स्टिंग ऑपरेशन में मांगी थी रिश्वत, आहूजा का कहना बीजेपी में भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, आपने गीता रावत को नहीं किया अभी तक निष्कासित। विश्वासनगर में इलाके के लोग 10 साल से पानी के लिए परेशान, ठीक से पानी ना आने से होती हैं परेशानियां, शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। आनंद विहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से 2 स्कूटी, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। मानसरोवर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, फ्लाईओवर से 20 फुट नीचे गिरा युवक, युवक की हुई मौत, पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंपा गया। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल, आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। शनिवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के लिए शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में हिंसा का मामला सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और शहादरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहां बीते 2 साल पहले दिल्ली दंगे की आग में झुलसा था, उसके मद्देनजर सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद जैसे इलाकों में अलर्ट जारी रखा गया है। हालांकि पुलिस रोड पर नजर आई है, और साथ ही आपको बता दें कि जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर, सीमापुरी, गोंडा चौक पर कोई पुलिसकर्मी नहीं दिखा, सब सुचारू रूप से चल रहा है, कोई विवाद नहीं है और सिक्योरिटी की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही है। दिल्ली बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, 3 निगम पार्षदों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 3 निगम पार्षदों को भ्रष्टाचार और पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप में पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसी पर हमने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बात की तो नेताओं का कहना है कि बीजेपी में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी ने तो गीता रावत को अभी तक निष्कासित नहीं किया है। देखिए, एक राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें कुछ पार्षदों के ऊपर एक लालच देने वाला एक सौदा उनको दिया गया, जिसमें वो ट्रैप में आ गए। मैं स्टिंग ऑपरेशन करने वाले चैनल को बधाई देता हूँ कि उसने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कदम उठाया। और हमारी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जीरो टॉलरेंस लेवल है, अभी पत्रकारों के द्वारा दी गई एक वीडियो देखते ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने सभी पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। दूसरी तरफ ये देखिए कि गीता रावत 3 महीने से उसको जेल में रह गया ही, और उसके ऊपर सीधे सीधे एक रिश्वत लेने के, नकद लेने के आरोप हैं, सीबीआई के ट्रैप में है, और अभी तक पार्टी ने उसको निष्कासित नहीं किया। हमारे यहाँ पर जीरो टॉलरेंस, हम एक भनक लगते ही निष्कासित करते हैं, और वो 3 महीने बाद भी अभी अपनी गीता रावत को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जीरो टॉलरेंस हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की है, हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। साथ में मैं एक बात और कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये काम किया, लेकिन मेरा सवाल है, केजरीवाल जी की पार्टी अभी तुरंत में बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, आपने कहा सब राजनीति में रहने वाले नेता चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आपकी विनोद नगर की निगम पार्षद गीता रावत, अभी उनको कुल 2 महीने हुए हैं, और अभी आपके 3 पार्षद और भ्रष्टाचार के स्टिंग ऑपरेशन में लिप्त पाए गए। केजरीवाल जी, आपने दुनिया दिखावे को तो ये कर दिया कि आपने उनको निलंबित कर दिया, लेकिन आप भी ये बता दीजिए अब कि अब स्वीकार करें आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी कि मेरी पार्टी में भी भ्रष्टाचार है। और मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी को सहन नहीं करेगी, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो। हमारी पार्टी अनुशासन में रहना सिखाती है, हमारी पार्टी देशभक्ति सिखाती है। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से उन्हें होना चाहिए, क्योंकि
हमारे को सिखाया जाता है कि राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हमें अपने चरित्र का निर्माण करना है और उसके बाद व्यक्ति विशेष पे आते हैं। तो अगर किसी ने गलत किया है उसे निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिए। पार्टी अनुशासन में रहना सिखाती है तो उन्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान विवेक विहार के साई बाबा मंदिर से दो चोरों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से दो स्कूटी, पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। ये आरोपी पहले भी कई इलाके में घटना को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इनसे कई केसों का खुलासा भी किया है। मानसरोवर पार्क इलाके में अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक मोटरसाइकिल के साथ काफी दूर तक खिसकता हुआ चला गया और साथ ही डिवाइडर से टकराकर मोटरसाइकिल कई बार पलटी खा गई। आपको बता दें कि युवक उछलकर फ्लाईओवर से 20 फुट नीचे जा गिरा, जबकि मोटरसाइकिल फ्लाईओवर पर ही रह गई। आपको बता दें कि राहगीर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान विकास के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस केस दर्ज कर वाहन की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार विकास परिवार के साथ वेलकम में रहते हैं और साथ ही परिवार में मां पवित्रा, बड़े भाई अनुज कुमार के अलावा चार शादीशुदा बहनें भी हैं। साथ ही आपको बता दें कि विकास की शादी नहीं हुई थी, वे शादी समारोह में वेटर का काम करता था। उनकी मां ने बताया कि बृहस्पतिवार देर रात 3 बजे विकास अपने बड़े भाई की मोटरसाइकिल लेकर काम पर जाने के लिए घर से निकला था। वे मोटरसाइकिल से वेलकम से शहादरा फ्लाईओवर होते हुए सीमापुरी की ओर जा रहे थे। जब वे मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे तभी उनकी मोटरसाइकिल को पीछे से किसी वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वे मोटरसाइकिल के साथ काफी दूर तक खिसकते हुए चले गए। पहले ही गर्मी की मार, ऊपर से पानी की समस्या, दोनों ने ही पूर्वी दिल्ली के लोगों का बुरा हाल कर रखा है। विश्वास नगर में यूं तो कई जगहों पर पानी की समस्या है, लेकिन गली नंबर 13, 14, 15 में पिछले 10 सालों से पानी की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे लोग काफी परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने के लिए वहां नहीं है। आपको बता दें कि वहीं लोगों का कहना है कि एक पानी का टैंकर आता है, वो भी हर रोज नहीं आता, जिससे पानी की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक केवल आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। समस्या ये है कि यहाँ पे जो पानी है बहुत गंदा आता है। एक तो आता नहीं, सुबह शाम बहुत कम पानी आता है, जो भी आता है इतना गंदा आता है, ना उससे पी सकते हैं ना उससे नहा धो सकते हैं। किसी भी उसमें बदबू इतनी आती है, बिल्कुल काला पानी आता है। कई बार हमने कहा दिक्कत ये हो रही है जी, पानी नहीं आते हैं। पानी को तो कम से कम 8 साल तो हो गए होंगे। वो बोरिंग लग रहा है, बोरिंग से ही करते हैं सारा काम। टैंकर आता है, टैंकर पर पब्लिक टूटती है, पानी किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, कभी पानी आता कभी नहीं आता टैंकर का। पानी ना आए तो समस्या तो सारी है, बर्तन धोने को पानी मिलेगा नहीं, गंदा पानी गंदा पानी आएगा, बदबू आएगी तो समस्या सारी। हाँ वो डिब्बा ला पीते हैं, आती नहीं 5 लीटर जो आती है बाल्टी। यहाँ की समस्या तो कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं। यहाँ के लोग पानी से बहुत परेशान हैं। पानी जो आता है वो गंदा आता है, क्योंकि पानी की जो लाइन है बहुत पुरानी लाइन बिछी हुई है। नई लाइन बिछने का जो प्रावधान है वो हमारे जो ओम प्रकाश शर्मा विधायक जी हैं उस काम को करने नहीं देते। यहाँ पर जे ही से हम कंप्लेंट करते हैं, कहते हैं जी विधायक जी बार बार हमें यहाँ रोक देते हैं काम करने के लिए। सामने वाले लाइन में आपको पानी आता मिलेगा, पूरे टाइम पानी आता है, साफ पानी आता है, वहाँ की शिकायत कुछ नहीं होती। 28-29 ब्लॉक NSA कॉलोनी, यहाँ के लोग पानी से बहुत परेशान हैं। समस्या तो सारी पानी की है जी, जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है जी, और पानी ना मिले इंसान को तो वो क्या करेगा ये बताओ। नेचुरल चीज़ है, प्रकृति की दी हुई देन है, वो कुछ नहीं मिलता जी उसे। विधायकों के पास बहुत बार शिकायत करी है, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। कितने कम से कम 20 बार तो यहाँ से बंदे गए और यही कहते हैं जी हाँ जी करा देंगे, आज तक कोई नहीं सुनता। गीता कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे की आर्थिक तंगी के चलते जहर देकर मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि यह घटना शनिवार को घटित हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपी पति सचिन गीता कॉलोनी के 12 ब्लॉक में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। प्रोफेशन से पहले CA का काम करता था। CA की नौकरी छूटने के बाद वह एक परचून की दुकान चलाने लगा, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते उसका घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, जिसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया। इस घटना के चलते इलाके के लोग काफी हैरान हैं, क्योंकि सचिन व्यवहार में काफी मिलनसार था और उसने इस तरह का कदम उठाया, इस हादसे से सब हैरान है।
पहले सर्विस करता था, फिर ये लॉकडाउन लगने के बाद मैंने दुकान दे दी उसको, फिर अपनी एक राय वार्ड ने दुकान चलाओ, दुकान में बैठा तो वो आया है 2 बजे करीब, तो मैं पूछा उसको कि इतनी जल्दी कैसे आ गया, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में जाऊँगा जब दूध आएगा ना, दूध के टाइम मैं दे दूँ किसी को, यहाँ से अभी रखी है चला जो था, तो 10 मिनट बाद आंटी जी वाली निकाल के चाय तो पी जा आके, चाय नीचे बनती थी खाना पानी तो नीचे था, चाय पी जाओ आके, फिर आ रहा हूँ 5-7-10 मिनट बाद आया, कहना जी उनका काम मैंने कर दिया है, अब मैं करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं पकड़ता रहा फिर भाग गया बाहर, मैं गया ऊपर देखते थे बाहर, देखा तो दोनों मेरे पोस्टर भी बहुत भी खत्म हो चुके थे, तो हैवी चीज मैं फिर कोई खाया नहीं जाता, मेरा कोई हेल्प नहीं, बिल्कुल ये हमारे पड़ोस की एक ही दीवार है और अच्छा लड़का था और सीए का काम करता था, कुछ प्रॉब्लम से ये नौकरी छूट गई इसकी और ये अब गीता कॉलोनी में परचून की दुकान कर रहा था, कोक वगैरह और नमकीन वगैरह और चाय पत्ती वगैरह ये सेल कर रहा था, और पैसे की कमी से थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम रहती थी, झगड़ा रहता था, बस उसने मैसेज डाला है सबको अपनी रिश्तेदारी में भी, फैमिली ग्रुप बना रखा था उसमें सबने लिखा इसने कि जो किया मैंने होशवास में किया, मैं काफ़ी दुखी था, दिमाग ख़राब हो गया था और मैंने इनकी रामलीला ख़त्म किया और खुद अपने मैं भी करने जा रहा हूँ। तो क्या पता लगा आप लोगों को कैसे इन्होंने मर्डर किया अपनी वाइफ को बेटा? अभी वो कुछ मेरा ख्याल कोई ऐसी केमिकल दिया है जिससे बेटा और माँ दोनों की डेथ हो गई। तब हाँ जी, वो काले खां से मतलब फ़ोन चालू था उनका और सब रिश्तेदारी में बात चल रही थी, तो उससे दिल्ली पुलिस ने बहुत मेहनत करी है इस केस में और अरेस्ट कर लिया। लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अनुमति मिल जाएगी, फिर सभी काम सिविक सेंटर पर होंगे। जिस ऑफिस में अभी ईस्ट एमसीडी का ऑफिस है वो बिल्डिंग DSIIDC की है। आपको बता दें कि इसमें लाखों रुपए का किराया दिया जाता है, उससे अब निजात मिलेगी। जैसा कि मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निगम की समस्याओं को देखते हुए, आर्थिक संकट को देखते हुए तीनों निगमों को एक करने का फैसला लिया, लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास हो चुका है, शीघ्र ही राष्ट्रपति महोदय के पास ये बिल जाएगा, वहाँ भी मंजूरी मिल जाएगी, तो तीनों निगमें एक हो जाएंगी तो एक ही कार्यालय रहने वाला है, वो कार्यालय सिविक सेंटर में होगा। जब सिविक सेंटर में हमारा कार्यालय चला जाएगा तो पटपड़गंज में जो कार्यालय है उसको बंद कर दिया जाएगा, उसका यहाँ पर आने का कोई औचित्य नहीं है, सभी काम सिविक सेंटर में किए जाएंगे, वहीं सब काम होंगे, सभी अधिकारी वहाँ बैठने वाले हैं। तो जो लाखों रुपया हर महीने हम DSIIDC को किराए के रूप में देते हैं उसकी भी बचत होगी और सभी मिलके सिविक सेंटर में काम करेंगे, एक ही बिल्डिंग में सबके काम होंगे, जो भी आने वाला होगा उसकी समस्या का समाधान एक ही बिल्डिंग में होगा, पूरी दिल्ली का समाधान होगा, हम लोग जल्द ही जैसे आदेश आएगा उसको वहाँ पे शिफ्ट करने वाले हैं। इस बार गर्मी के मौसम की मार बच्चों पर ज्यादा पड़ रही है, जहां पहले 4 से 5 बच्चे अस्पताल में आते थे, इस बार बच्चों की अस्पताल में आने की क्षमता ज्यादा है, कई बच्चों को तो एडमिट भी करना पड़ रहा है। पिछले 2 साल के मुकाबले बच्चे इस बार ज्यादा बीमार पड़ रहे, कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से बच्चे घरों में थे, बाहर निकले नहीं थे, जिससे उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की गर्मी इस बार बच्चों के लिए खतरनाक भी साबित हो रही, डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को ऐसी चीजों का सेवन कराएं जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और साथ ही गर्मी में बाहर कम निकलें, घर से बाहर निकलते समय उन पर ज्यादा ध्यान दें और साथ ही डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बच्चों को तरल पदार्थ देते रहें। पिछले 2 साल की तुलना में इस बार बच्चों के जो बीमार होने की संख्या है वो अधिक है और इसका जो मुख्य कारण मुझे नज़र आता है वो ये है, क्योंकि 2 साल से बच्चे अपने घरों में कैद थे, जिस कारण उनको शारीरिक एक्टिविटीज़ वो नहीं कर रहे थे, इम्यूनिटी उनकी कमज़ोर हुई है, प्लस उसके साथ साथ बच्चों के स्कूल अब जैसे खुले हैं तो उसके बाद मौसम ने इस बार जो करवट ली है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से बच्चे उसके लिए तैयार भी नहीं थे, तो इस वजह से भी बच्चों में जो बीमारी हैं वो बढ़ी हैं।
तीसरी एक जो मुझे उसकी कारण नज़र आता है वो ये है क्योंकि वायरल डिजीज़ अब थोड़ा फैलनी शुरू हुई हैं और 12 साल से ऊपर के बच्चे वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, उससे नीचे के बच्चों में वैक्सीनेशन अभी नहीं हुआ है, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि बुखार के, दस्त के और इस तरीके के बच्चे जो है काफ़ी मिल रहे हैं, जिसमें मुख्य कारण जो है वो वायरल नज़र आ रहा है। तो इसमें मेरी सलाह यही है कि बच्चों को अच्छा भोजन दें और जहाँ जो बच्चे कोविड वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं उनका टीकाकरण कराएं और बच्चों को योगा, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करें ताकि इससे भी उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। 3 से 4 गुना ज़्यादा पिछले कई सालों का हम ये देख रहे हैं कि बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले 2 साल में जो कोविड रहा है उस दौरान जो है वो बच्चे ज्यादातर इंडोर रहे हैं, बच्चों ने आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करी हैं, बच्चों की इम्यूनिटी जो बार बार एक दूसरे से इंटरेक्ट होने से बनती थी और हल्के हल्के बीमार होने से बनती थी, वो बच्चों की इम्यूनिटी नहीं बनी है। इस वजह से बच्चे जब अब स्कूल जाना शुरू कर रहे हैं तो उनको जो है जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो रहा है और पेरेंट्स भी थोड़े से घबराए हुए ज्यादा हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो बच्चों के साथ वरीड हो जाते हैं और हॉस्पिटल लेके आते हैं, जो कि सही भी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे देश में कोविड वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लगा है, मगर बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि जो अब छोटे बच्चे हैं उनके अंदर वैक्सीन अभी तक नहीं लगे हैं, तो इन बच्चों के अंदर भी जो है वो इन्फेक्शन की गति ज्यादा देखी जा रही है। ये वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये कोविड का भी जो है कोई माइल्ड फॉर्म हो सकता है जो बच्चों को हल्का बीमार कर देता है या 1-2 दिन के लिए बच्चों को डल कर देता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्षविहार इलाके में एक शख्स की पत्थर मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डीसीपी देवेश कुमार ने बताया कि जिस व्यक्ति को पत्थर से मारा गया था उसके सिर पर काफी चोट थी। इस मामले में 10 टीमें बनाई गई थी और ऑपरेशन स्पेशल स्टाफ को दिया गया। सीसीटीवी की मदद से एक युवक की पहचान हुई है, उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हर्षविहार में सुबह पेट्रोलिंग के दौरान हमारे पुलिस ऑफिसर ने स्पॉट की थी डेड बॉडी को, तो उसने तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद में देखा गया तो इसको काफ़ी सिर पे और शरीर पे कुछ चोट के निशान थे, तो वो डेड था वहाँ पे हॉस्पिटल में। इसके तुरंत बाद हमने काफ़ी टीमों का गठित किया, इसके अंदर लगभग हमने 10 टीमें बनाई थी, ऑपरेशन स्पेशल स्टाफ और पुलिस स्टेशन से मिला के। उन 10 टीमों ने पूरे ही एरिया के सीसीटीवी को खंगाला, क्योंकि वो विक्टिम भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हमने उसको आइडेंटिफाई किया और वो यूपी के अंदर का रहने वाला बंदा था, यूपी में रहता था, दिल्ली में नहीं रहता था। अराउंड 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर डिस्टेंस थी उसकी घर की, जहाँ पे वो रहता था वहाँ से लेके जहाँ उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो द स्टाफ डिड अ वंडरफुल जॉब रियली टू आइडेंटिफाई द विक्टिम, और उसी प्रोसेस में फिर उन्होंने अक्यूज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी अराउंड मोर देन 100 कैमरेज को टीम ने देखा है, एंड विद इन 48 आवर्स वी कुड अप्रेहेंड द अक्यूज़ आल्सो। ट्रेल बना के हमने अक्यूज़ को भी अप्रेहेंड किया। नहीं, बैकग्राउंड तो अक्यूज़ का हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन उसके मोडस ऑपरेंडी में जो इस पत्थर का उसने यूज किया था विक्टिम को मारने के लिए वो हमें मिला है, और उसके ब्लड स्टेंड क्लोथ हमें मिले हैं जिन पे। गीता कॉलोनी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में बच्चों ने चढ़बढ़ कर हिस्सा लिया, वहीं बच्चों में उत्साह भी देखने को मिला। टूर्नामेंट में सरकारी स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और साथ ही मुर्दघाट स्कूल के प्लेग्राउंड में ये मैच खेला गया, और साथ ही जिसमें सरकारी स्कूल के छात्र और क्रिकेट अकेडमी के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। देखिए, बड़ा ये सौभाग्य है हमारा, हमारे गीता कॉलोनी के आसपास क्षेत्र के लोगों का कि यहाँ पे एक क्रिकेट अकेडमी है, जो कि आसपास कोई भी अच्छा ग्राउंड नहीं है। ये एक ऐसा ग्राउंड है कि यहाँ से बड़े बड़े अच्छे क्रिकेटर इस ग्राउंड से निकले हैं, जो दिल्ली में लोगों ने रणजी खेली, विजय बहादुर जी चौहान एक प्लेयर थे वो भी यहाँ, विजय और बड़े प्लेयर, मैं तो ये कहूँगा यहाँ पे एन शर्मा कोच भी हुआ करते थे। दिल्ली सरकार जो इससे रिलेटेड ये अकादमी है, यहाँ आसपास क्षेत्र बच्चे खेलते हैं, किशन नगर, शाहदरा, पूरी दिल्ली, पूरी जमुना पार के बच्चे यहाँ से खेलते हैं। तो एक समय ऐसा होता था कि लोग कहते नहीं खेला मत करो पढ़ा करो, तो आज वो समय बदला है कि लोग कहते हैं कि पढ़ने के साथ साथ खेलना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मानसिक तौर से जो बच्चा मजबूत होता है वो पढ़ाई में भी अव्वल होता है। 14 ग्रुप है और ये कैनकोट्स क्लब और मिश्रा स्पोर्ट्स क्लब के बीच में एक 3 मैच की सीरीज हुई है, और ये सब सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो हम यहाँ पर कोचिंग सेंटर दिल्ली सरकार ने हमारे को दे रखा है कैनकोट्स क्लब को, और उसको हम चलाते हैं, तो इनके लिए इनके बच्चों के लिए मैच ऑर्गेनाइज करने होते हैं, तो ये मैच मिश्रा स्पोर्ट्स से क्लब से हम खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस उम्र के बच्चे ही ऐसे मौसम में खेल सकते हैं, इतनी गर्मी के बावजूद भी हम लोग और इसी एज के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, यही एज सही है क्रिकेट सीखने के लिए। इन बच्चों का आप कैलिबर देखिए, इतनी गर्मी में मेरा ख्याल 40 के करीब टेम्परेचर है,
फिर भी खेल रहे हैं, इनका जुनून है, यही जुनून आगे जाके एक स्टार पैदा करता है। वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफार्म सेट है जो केन कोल्ड्स ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है टूर्नामेंट। जो ये ग्रास रूट लेवल पे जो टूर्नामेंट होते हैं इन्हीं से बच्चे जो तैयार होते हैं, क्योंकि मैच जो है प्रैक्टिस से बेस्ट मैच होती है, मैच की प्रैक्टिस होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।